हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको पता ही, सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का हमारा नेक्स्ट पार्ट है, जिसमें कि आज हम पढ़ेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ इक्विटी शेयर्स। इसका मीनिंग, इसका कैरेक्टरिस्टिक, इसका एडवांटेज हम अपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं, तो अगर किसी को भी देखना हो तो मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। अब देखिए, इक्विटी शेयर होल्डर के कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं, तो आइए देख लेते हैं क्या क्या है। अनसुटेबल फॉर नॉन रिस्की इन्वेस्टर, ऐसे जो इन्वेस्टर्स हैं जो कि रिस्क नहीं लेना चाहते, तो वो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा अनसुटेबल होता है, क्योंकि जो इनकी डिविडेंड होती है फिक्स नहीं होती है और ये कंपनी के प्रॉफिट पे डिपेंड करती है। कंपनी को जिस साल जितना प्रॉफिट होगा उस साल इनको डिविडेंड मिलेगा, और वो भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर और डिबेंचर्स का इंटरेस्ट देने के बाद जो बचेगा उसमें से मिलेगा। नेक्स्ट है आपका राइट ऑफ कंट्रोल इज अ मिथ। अब देखिए, राइट ऑफ कंट्रोल मतलब इनको कंट्रोल, मैनेजमेंट पे पूरा कंट्रोल करने का पावर तो होता है, लेकिन क्या है, ये बात केवल कहने की होती है। ये केवल क्या हो, इनको हक होता है केवल जो भी एनुअल जनरल मीटिंग होती है, साल भर में जो एक बार मीटिंग होती है एनुअल जनरल मीटिंग, वो केवल इसमें पार्ट कर सकते हैं। बाकी जो डे टू डे इनका अफेयर्स होता है कंपनी का, वो जो मीटिंग्स होती है वो उसमें पार्ट नहीं करते, तो इसलिए बस ये कहने की बात है कि उनका मैनेजमेंट पे पूरा पूरा कंट्रोल होता है। नेक्स्ट है आपका लॉस ऑन लिक्विडेशन। अगर सपोज करिए जब भी कभी कंपनी बंद होती है, तो इसमें इक्विटी शेयर होल्डर को सबसे ज़्यादा लॉस होता है, क्योंकि सबसे पहले प्रिफरेंस शेयर होल्डर को पैसा दिलाता है, फिर डिबेंचर्स होल्डर को उनका इंटरेस्ट और पैसा दिलाता है, उसके बाद अगर कुछ बचता है तो इक्विटी शेयर्स को दिलाता है, और अगर नहीं बचता है तो कुछ भी नहीं दिलाता है, तो इसलिए इसमें इनका बहुत ज़्यादा लॉस होता है। नेक्स्ट है आपका लॉस इन डिप्रेशन। लॉस इन डिप्रेशन का मतलब है, अगर देखिए कोई भी साल ऐसा है जिस साल की कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ, डिप्रेशन पीरियड है या रिसेशन पीरियड है, तो उस साल क्या होता है, इनको कोई भी डिविडेंड नहीं मिलता है, क्योंकि जो भी इनका डिविडेंड डिपेंड होता है, फिक्स तो होता नहीं है, जो भी इनका डिविडेंड डिपेंड होता है वो कंपनी के प्रॉफिट पर ही डिपेंड होता है। तो अगर किसी भी साल कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ है, बहुत ज़्यादा लॉस हो गया, तो उस साल इनको क्या होगा, इक्विटी शेयर होल्डर को कोई भी पैसा नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है आपका अनसर्टेनिटी ऑफ इनकम। देखिए इसमें इनकम क्या होती है, कोई भी फिक्स नहीं होती है, क्योंकि इसमें देखिए अगर प्रॉफिट हुआ तो भी पहले प्रीफरेंस शेयर होल्डर डिबेंचर होल्डर को पैसा दिया जाएगा, अगर बचता है तो इक्विटी शेयर होल्डर को दिया जाएगा, अगर नहीं बचेगा तो नहीं दिया जाएगा। इसी तरह सेम अगर प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट में से पहले प्रीफरेंस शेयर होल्डर और डिबेंचर्स को देंगे, फिर पैसा बचेगा तो देंगे, और नहीं तो इनको नहीं देंगे। लिक्विडेशन का टाइम भी यही होता है, पहले प्रीफरेंस शेयर होल्डर फिर डिबेंचर्स होल्डर, अगर पैसा उसके बाद बचा तो इक्विटी शेयर होल्डर को दिलाता है और नहीं तो नहीं दिलाता है। इसलिए इनकम का इसमें क्या होता है, कोई भी सर्टेन नहीं होता है कि हमें इतना तो इनकम मिलेगा ही मिलेगा, इसमें आपको नहीं भी मिल सकता है। किसी साल अगर प्रॉफिट नहीं हुआ या पैसा नहीं बचा प्रीफरेंस शेयर होल्डर डिबेंचर होल्डर को देने के बाद, तो इसमें आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, एक रुपये भी नहीं। तो यही बेसिकली कुछ डिसएडवांटेज होते हैं इक्विटी शेयर होल्डर के। तो होप आपको ये समझ आया होगा, फिर भी कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल, और किसी को भी अगर नोट्स चाहिए तो वो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकता है।